आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का ही। आप देख रहे हैं दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका। भारतीय मजदूर संघ की जिला बैठक संपन्न, 26 अप्रैल 2023 निकालेंगे विशाल रैली, जिला कलेक्टर के माध्यम से देंगे प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन। सिरोही प्रधानमंत्री भारतीय मजदूर संघ की जिला बैठक जिला कार्यालय फौजदार का मंदिर राम झरोका सिरोही में जिला अध्यक्ष गणेश सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। भामस के मीडिया प्रभारी रवि गोपाल सिंह पोसालिया के अनुसार बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह डावी, जोधपुर डिस्कॉम के अध्यक्ष मोहनलाल माली एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य रेवा शंकर रावल का मार्गदर्शन तथा सानिध्य रहा। बैठक में 23वें अखिल भारतीय अधिवेशन पटना में लिए गए निर्णय के अनुसार चार प्रस्तावों के संबंध में 26 अप्रैल 2023 को जिला स्तर पर रैली आयोजित कर जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। चार सूत्री मांगों यथा सामाजिक सुरक्षा सभी को उपलब्ध हो, ठेका प्रथा पर रोक लगाने एवं ठेका प्रथा अधिनियम 1970 में संशोधन करने, आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय श्रम नीति बनाने एवं न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर जीविका मजदूरी तय हो, इन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक में G20 के अंतर्गत L20 के कार्यक्रम जिले में आयोजित करना, नई यूनियन बनाना, सदस्यता अभियान, यूनियन की रिटर्न समानता शुल्क जमा कराने, यूनिट में चल रही गतिविधियों को लेकर यूनिट मंत्री से प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं अन्य विषय पर अध्यक्ष की अनुमति से प्रजापति द्वारा किया गया। इस अवसर पर वक्ता राम, टीला राम, हरि सिंह, भैरा राम, वना राम, पीथा राम, ईश्वर रावल, संजय सक्सेना, प्रभु राम मीणा, चंदन सिंह राव, भैरू सिंह, हरि सिंह काबावत, प्रभु राम लोटाना, सवा राम, गणेश देवासी, गणेश देवासी, जवाना राम, आशा देवड़ा, पुष्पा सोलंकी, पुष्पेंद्र कुंवर आदि उपस्थित रहे।